हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ अवर सेकेंड क्लास ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की हमारी सेकेंड क्लास है। सो आज हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस का यानी कि असर्टिव सेंटेंस के रूल्स पढ़ेंगे, क्या रूल्स होते हैं। एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट रूल है असर्टिव सेंटेंसेस का, इफ आरबी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंस है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। दैट इज द रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव वो ये एक रूल है। ठीक है, इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सेज हरी हैज गोन टू आगरा, कि उसने कहा, राम ने कहा कि हरी हैज गोन टू आगरा, वो जा चुका है आगरा के लिए। तो देखिए सेज जो होती है ये प्रेजेंट में दे रखी है। ठीक है, तो प्रेजेंट में है इसलिए इसका टेंस कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में नो चेंज होगा। देखो अ सेज के पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये बात याद रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेज का सेज आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसको टेल सेज का आप किस में, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेज सेज को आप किस में चेंज कर दोगे, टेल्स में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप टेल या टेल्स में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ पे अगर टू मी होगा आपको ऑप्शन में दिखेगा उसमें, तब आप करेंगे। जैसे सो उसका क्या बन जाएगा, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। एंड आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हरी हैज गॉन टू आगरा। लेट सी द अनदर एग्जाम्पल, दिस इज इन फ्यूचर टेंस। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। सो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इसके पहले हम से का से ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब देखिए प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट में है, रवि विल ज्वाइन द कैंप, कि रवि जो है वो कैंप ज्वाइन करेगा। तो देखो सैड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आपने किस सैड को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल। लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर रूल, इफ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर पास्ट टेंस में दे रखी है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। जैसे ही सैड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, उसने कहा कि जो बारिश है वो मॉर्निंग से हो रही है। ठीक है, तो सैड का तो सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा एट के डैट। अब देखिए इट जो होता है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन आएगा। अब हैज बीन, हैज बीन जो है आपकी पास्ट परफेक्ट होती है, तो पास्ट परफेक्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट रूल है, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब मतलब कहावत हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीच में, एज इट इज कंसीडर किया जाएगा। वैसे दे रखा है आपका ही सैड द सन राइज इन द ईस्ट, जो सन है वो राइज होता है यानी कि उगता है ईस्ट से यानी कि पूरब से, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वहीं से ही वो उगेगा। तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि हरी ने रवि से कहा कि जो कुत्ते होते हैं डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों पे क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, रवि टोल्ड सेट का क्या हो जाएगा, टोल्ड रवि इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और ये क्या कहते हैं, एक हैबिचुअल हैबिट होती है उन डॉग्स की, तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का कहावत है, प्रोवर्ब है, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देयर इज नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल फैक्ट या प्रोवर्ब। सो टूडेज होम, आई होप यू अंडरस्टैंड द असर्टिव सेंटेंसेज रूल्स। सो टूडेज होमवर्क इज, आपको ये कमेंट सेक्शन में करना है कमेंट, ही सैड द बॉय मे गो एंड दे सैड यूशा हैड वॉन, उषा हैड वॉन द मैच। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगेन आई सेड।